मोदी सरकार दुष्यंत चौटाला जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आज किसान जो है तीन अध्यादेश के विरुद्ध जो है सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि जो उचाना है उसमें भी किसानों ने जो आज रोड जाम किया है। आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है, ये दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है और आज जो है किसानों ने और आढ़तियों ने इसको जाम कर दिया है। हालांकि जिस प्रकार से सरकार ने तीन अध्यादेश जो है लागू किए थे उसके विरुद्ध में जो है किसान आज सड़कों पर उतरे हैं। हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, किस क्यों उन्होंने बताया आपने आज रोड पर उतरे और रोड जाम कर दिया है, हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर हैं, क्या कहना भाई चाहेंगे? किसान या आढ़ती भाई या दुकानदार जो भी आदमी आज धरने पर आए हैं या एजिटेशन की राह पकड़ी है, उन लोगों की सबसे पहले तो यह है कि उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इन अध्यादेशों से। ये गारंटी जो MSP बना, ना तो उसकी गारंटी रही, ना कोई पैसे की गारंटी रही, ना कोई ख़रीदार की गारंटी रही, किसी चीज़ की गारंटी नहीं। गवर्नमेंट ने पहले जो मंडी बनाई थी वो प्लेटफार्म ख़त्म करने जा रही है। MSP 24 घंटे 12 महीने चलनी चाहिए, वो ख़त्म करने जा रही है। सिर्फ ये भी उन्होंने MSP का नारा तो पहले दे दिया, इब उससे गले में सांप फंस गया, इब उसने छुटाना चाहा है कि MSP ख़त्म कैसे की जाए। वो ख़त्म करने का एक बहाना है, ये इसीलिए बहाना है कि ख़त्म करेंगे हम खरीद नहीं कर सकते, सरकार खरीद नहीं कर सकती, पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ बेच के आएंगे। जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं वो व्यापारी इतने बड़े हैं कि वो एक व्यापारी जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा माल खरीद सकता है और वो अपनी मर्जी से बेचेगा, 6 महीने में बेचो, साल में बेचो। और ज़मींदार का पैसा लेके भाग गया तो वो ज़मींदार कहाँ से पूछने जाएगा, कहाँ से लाएगा। तो ये मुसीबत है, इस मुसीबत में लोग रोड पर आए हैं। बिल्कुल मुसीबत पे जो है लोग सड़कों पर उतरे हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी, आज कहाँ कहाँ आपने जाम लगाया है, कितने जो किसान आड़ती हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, हालांकि हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जो है जाम है ना पूरे समूचे हरियाणा में है, पूरे हरियाणा प्रदेश में है। सभी हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और जो नेशनल हाईवे हैं सारे बंद हैं। सभी पर किसानों ने अपना जाम लगा रखा है, पूर्ण रूप से चक्का जाम है, ये कहिएगा आप। तो प्रधान जी सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेती ये आंदोलन चलता रहेगा, ये मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ। तो आज कितने टाइम तक धरना चलेगा? आज ये 3 बजे तक का धरना है हमारा। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती आगे, सरकार अगर बात नहीं सुनती तो ये निरंतर जारी रहेगा और मंडियों में हड़ताल रहेगी, कोई भी कामकाज मंडियों में नहीं किया जाएगा और किसान अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। ये भी इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, शायद 24-25 तारीख को है वो भारत बंद, पूरे भारत बंद की 25 तारीख को घोषणा की गई है, उसमें भी हम पूरा सहयोग देंगे। तो फिलहाल जो है सरकार से आपकी मांग है, बातचीत हो पाई सरकार से? सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई, सरकार से हमारी यही मांग है कि ये जो तीनों अध्यादेश हैं ये वापस लिए जाएं और हरियाणा सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है इसमें कुछ संशोधन भी किए जाएं। क्योंकि जैसे बात करें फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स की, उसमें क्या है कि कोई भी फार्मर अपना माल कहीं भी बेच सकता। अब जो एक बात, एक निश्चित पॉइंट तो होता है जहाँ पर 20 व्यापारी इकट्ठे हो जाते हैं, लेने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर कंपटीशन बन जाता है फसल का। लेकिन देहात में, गांव में कौन जाएगा, कैसे कंपटीशन बनेगा, उचित रेट नहीं मिलेगा इससे। आनन फानन में जाएंगे अपने, अपनी मनमर्जी के ये जो पूंजीपति लोग हैं अपनी मर्जी के रेट देंगे वहाँ पर। मान लो मार्केट से ही भाव का पता लगता है फार्मर को कि हमारी नज़दीक की जो मार्केट है, जो मंडी है, वहाँ पर क्या भाव चल रहा है। मान लो जीरी का भाव मंडी में 4,000 रुपये चल रहा है और व्यापारी गांव में जाके कह देगा 3,000 है, तो अगर मंडी ही ख़त्म हो जाएंगी तो वो कहाँ से पता करेगा। बिल्कुल, व्यापारियों में काफ़ी रोष है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। अच्छा जी क्या कहना चाहेंगे, मास्क लगाए पहले आप, क्या कहना चाहेंगे ये जो क्यों उन्होंने बताया जाम लगाया गया है सरकार से? ये आई जब तक ये तीन काले कानूनी, इसमें ना तो जमींदार का हित, ना किसान का, ना मजदूर का, ना मुनीम का, ना व्यापारी का, किसी भी वर्ग का इसमें हित नहीं है। सरकार जबरदस्ती थोपना चाह रही है हमारे ऊपर। बिल्कुल, सरकार जो है सरकार के खिलाफ इनकी नाराजगी है और
इनका ये भी कहना है कि जब तक सरकार इनकी बातें नहीं मानती तब तक धरना जारी रहेगा। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। प्रधान जी, जी ये अच्छा क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जो तीन अध्यादेश निकाल रहे हैं किसान मजदूर और आढ़ती इनके खिलाफ है, जो भी है ये इसमें संशोधन कराया जाए। हम ये जो एक देश एक मंडी है तो मंडियों में भी मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए, देश में कहीं भी नहीं है, मतलब बाहर और भीतर एक ही रेट होना चाहिए सब टोटली, तो मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए कहीं भी। इस वजह से ये बिल्कुल मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। और हालांकि किसान और आढ़तियों में आज जो है काफ़ी रोष है, हालांकि इन्होंने आज जो है दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम किया है, उचाना में भी जो है इन्होंने जाम लगाया है। और डीएसपी धर्मवीर ने बताया कि फिलहाल 800 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिसमें 8 डीएसपी भी शामिल हैं। और किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उनका धरना जारी रहेगा। और 25 तारीख को जो है भारत बंद का उन्होंने आह्वान भी किया है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल जींद। लक्ष्य को हासिल कर लेने का भरोसा है KMV, सपनों को नई उड़ान देने का भरोसा है KMV, प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता का भरोसा है KMV, पंजाब में नंबर 1 अग्रणी शिक्षण संस्थान है KMV, 135 सालों की स्वर्णिम परंपरा है KMV, भारत में शीर्ष रैंकिंग में शामिल कन्या महाविद्यालय जालंधर। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माड़, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाए, पेट पूजा की घड़ी आए